पहले वाले में सर। अच्छा नहीं, अभी आपको बेटर सुनाई देने लगा? जी अब सुना है, अब ठीक बराबर जी। हाँ, हाँ, हाँ। तो एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगी जी सर, जो कि बहुत जरूरी है किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए, कि ना तो ये सरकार और ना ये तंत्र इसको डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के लिए बनाया ही नहीं गया। बिल्कुल ठीक है सर। इसे आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है, इसे आपको में जो है ना आपकी बेइज्जती करने के लिए बनाया गया है, इसे आपकी हीन भावना डेवलप करने के लिए बनाया गया है, इसे जो है आपके व्यापार को और सब चीजों को तोड़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है। और हमारे नेताओं को ये सब बहुत पसंद आ रहा है जी। आप अच्छा एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जो इस देश में चपरासी बनना चाहता है उसे भी साक्षरित और साक्षर होना चाहिए जी। जी जी। फिर जो है आपका कानून बनाने वाला अपराधी क्यों जी, और हम ही नहीं कह रहे हैं कि वो कानून बनाने वाला जब तक पूरी तरह से कन्विक्ट ना हो जाए तब तक उसे आप अपराधी कहिए, आप उसे बहुत अच्छा मानिए, उसकी जो है ना फोटो लगाइए अपने कार्यालयों में, उसको फूल माला टांगिए, उसे अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दीजिए, पर भगवान के लिए उसे कानून का निर्माता मत बनाइए। न बनाए ठीक बात। जब तक हम इन दुष्टों का बायकॉट नहीं करेंगे जी, तो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि सभी पार्टियों को जो है ये क्रिमिनल्स ज्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि वो आसानी से जीत जाते हैं, वो बाहुबली भी होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, वो साम दाम संवेद जानते हैं। ये देश की विडंबना है कि जो जब बदमाश जो है ना जेल में होता है वो भी इंडिया में जीतता है, वो भी जीतता है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है कि नहीं? तो हमें इस व्यवस्था को बदलने के लिए पहले हमें धन और सामर्थ्य पैदा करना होगा, और वो हम ज्वाइंट वेंचर के तहत खुद करेंगे जी। जी जी। हम जो है किसान की आमदनी 5 गुना ले जाएंगे बिना सरकार के जी। जी। मैं जो है जो इंडस्ट्रीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ये सब चीजें हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज करते हुए सबको प्रोपोर्शनेट उनका बिजनेस भी ग्रो करेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट किसी के पास भी नहीं होगी, इसके बावजूद भी सभी लोग संपन्न होंगे। बिल्कुल ठीक है। और बाद में फिर व्यवस्था बदल दीजिए सर, इनको भी बदला जाए, इन चोरों को क्यों किया जाए, फिर ऑटोमेटिक सुधार आ जाता है। हाँ, ये फिर खुद ही सुधार आ जाएगा, ये फिर इनकी ये जो है अभी आपका वोट खरीदने की बात करते हैं, उन्हें मालूम होगा कि पब्लिक उनको ही खरीद लेगी, ये किसके वोट क्या खरीदेंगे, ठीक है ना? तो ये परिवर्तन हमें लाना होगा सर। मैं आपको एक बार थोड़ा सा बीच में मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि सर ये इसके लिए मैंने 2-4 प्रपोजल्स भी दिए हैं, लिखे हैं, मेरा आर्टिकल सच की परछाई चलता है, मैं रेड लिखता भी हूँ। अच्छा। मुझे शौक है। ओके। मुझे शौक है। ओके। सच की परछाई मतलब किसी भी सब्जेक्ट पे गहराई से मैं स्टडी करके उसको देता हूँ सर, ठीक है, मेरे दिल्ली वगैरह और सब जगह पेपरों में छपते हैं। ओके। तो सर मैं उसमें ये एक सुझाव दिया था। अच्छा। कि ये जो आज जो इसको इलेक्शन कमीशन को के हर चीज का क्राइटेरिया होना चाहिए, हर नेता का, हर जैसे अपन सर्विस पे हर एक का क्राइटेरिया एजुकेशन दे शुड बी एजुकेशन। देखो ये तो जो है इलेक्शन कमीशन खुद भी कह रहा है, इसके लिए PIL भी लगी है। कोर्ट ने यदि 142 आर्टिकल के तहत जजमेंट उसमें दे दिया होता, क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अधिकार प्राप्त किया है जिसके तहत न्याय करने के लिए वो सिस्टम और चीजें बना सकते हैं। जी। तो जैसे कि 2006 में जो पुलिस रिफॉर्म का जजमेंट आया है वो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 संविधान के तहत ही दिया था। जी, तो यदि जो है संविधान की पीठ जो है उसका उपयोग करते हुए यदि कोई जजमेंट दे देती तो बहुत ही कल्याणकारी होता। अब सवाल ये है कि जो नेता इन अपराधियों के माध्यम से आसानी से जीत के अपना जीत स्थापित करके अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं, वो आपकी बात क्यों मानेंगे? नंबर वन नहीं मानेंगे। अच्छा, दूसरी बात है ये काम सभी पार्टी कर रही है तो आपके पार्टियों से भी आपका भला नहीं होने वाला है। कोई भी पार्टी आएगी उसे तो नेता ही जो है ना क्रिमिनल्स ही अच्छे लगते हैं। और ये हमारा अंगूठा छाप जो है ना ये एजुकेटेड ऑल दी IAS IPS ये एजुकेटेड को मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपको
गलत इतिहास पढ़ाया गया, आपको गलत चीजें पढ़ाई गई हैं, तो जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना नालायक आदमी है, क्योंकि सब तो उसको पढ़ा ही नहीं गया। जी, तो अब तो अपन को नए ढंग से चीजों को पढ़ाना पड़ेगा। सुनिए सर, आप मेरी बात समझ रहे हो? जो पढ़े लिखे, देखिए आप ये बताइए कि इस देश में एक आर्टिकल 1954 में 35A आर्टिकल संविधान में घुसा दिया गया बिना किसी पार्लियामेंट में आए, बिना किसी उसके, तो यदि ये विद्वान लोग होते तो ये अपोज करते ना कि साहब कैसे संविधान में घुस सकता है। जी, तो हम लोग जो है बिना रीढ़ के हड्डी के चमचे हैं, जो इनके किसी भी एक्ट को जो है ना अपोज नहीं करेंगे, हम जो है इनसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, तुम हमारा काम करो, हमको रिटायरमेंट में की बात जो ना अच्छी जगह पे पोस्ट कर दो, ये इस सोच के ब्यूरोक्रेट इस देश के लिए भला नहीं कर सकते हैं। जो जो हमेशा इस देश के शोषण में इन काले नेताओं के साथ रहे हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक मेंटेलिटी वैसी हो चुकी है। हाँ, वो तो उनकी मेंटेलिटी दूषित हो गई है, और जिनकी मेंटेलिटी थोड़ी सी ठीक है उन्हें अपने सिस्टम में इतनी अपेक्षा उपेक्षा मिली है कि उनका अपना जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर है, वो इनके प्रकार अपना जो है ना रिटायरमेंट लाइफ ही अच्छा बिता लें, बस उनका यही प्रायोरिटी है। करेक्ट सर, वो अंडर 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 डर्टी पॉलिटिक्स प्रेशर। तो हमारा ये कहना है कि ना सरकार से लेना देना है, ना इस ब्यूरोक्रेट से लेना देना है, जो उनकी अच्छी योजनाएं होंगी उनका फायदा उठा लेंगे, और हम जो है एक सशक्त जो है सिस्टम को इस्टाब्लिश करें जो पार्टनरशिप पे हो, ज्वाइंट वेंचरशिप पे हो, और पूरा इको सिस्टम ज्वाइंट वेंचर पे रहेगा। उसके लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं होगी, जो छोटे पैसे पैसे की जरूरत होगी वो हम लोग सब लोग दानी हैं, डोनेशन से इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में हमने एक ऐसी व्यवस्था भी की है जिसमें आप अपने ही खाते में रखे रहिए पैसे को, उसकी लिमिट को हम यूज करेंगे, और आपको 2% एक्स्ट्रा जो है ना जो इंटरेस्ट है और जो मूल है वो तो सीएफबी चुका देगा, आपको 2% एक्स्ट्रा भी देगा। ठीक है, और सीएसआर में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो कॉर्पोरेट को जानता है उसके पास जाए, वहां से पैसा आए, जो ज्वाइंट जो जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो पैसा लगाएं, और उस साधारण पैसे से एक बार सीएफबी का इंजन चल गया तो वो चारों तरफ वेल्थ को छापेगा, तो वो तो पैसा खुद बांटेगा, उसे पैसे की जरूरत है। सही बात, बिल्कुल ठीक है। तो आपने अपना पूरा नाम क्या बताया था सर? वीरेंद्र सिंह बालिया। वीरेंद्र सिंह बालिया, जी। तो वीरेंद्र सिंह बालिया जी, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, और मेरा केवल आपसे यही प्रार्थना है कि रेसिडुअल एनर्जी से किसी देश का भविष्य नहीं बदला जा सकता है। Right, तो पूरी एनर्जी के साथ बढ़ना है। यदि आप इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको इस बात को आश्वस्त करता हूँ कि आप जितना कमा रहे हैं उतने से ज्यादा आप इस सिस्टम के तहत कमा लेंगे, तो फिर आप पार्ट एनर्जी से क्यों काम करना चाहते हैं? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं ये असल मैं एक्चुअली आपको बताऊँ, पहले तो ये मैं आपको परिचय भेजना चाह रहा था। नंबर वन आप भेज दीजिए, आप भेज दीजिए, आप भेज दीजिए, भेजेंगे ना, और फिर हम एक काम करेंगे, आपसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत बात करेंगे, और हम तो कोई बात अनौपचारिक करते ही नहीं है, हमने नियम बनाया है कि हम ऑफ रिकॉर्ड बात ही नहीं करते हैं, और मेरे पास समय नहीं है किसी से ऑफ रिकॉर्ड बात करने के लिए। तो यदि मुझे गाली भी देना है तो मैं ऑन रिकॉर्ड देता हूँ, और जो वो गाली भी देता हूँ वो अभी 2 मिनट के बाद जो है ना वो जाके हमारे क्राइम फ्री भारत पे चढ़ जाती है। जी, क्योंकि हमारा ये कहना है कि हम इसको जो भी कह रहे हैं इसको एनर्जी मान रहे हैं। राइट सर, यदि आज फलीभूत नहीं होगी तो कल फलीभूत होगी, ये एनर्जी व्यर्थ नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, बेसिक बुनियाद हमारी मजबूत होनी चाहिए सिस्टम की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो चलिए वीरेन जी, आपसे बात होती रहेगी, और हम आपको एक आपका बायोडाटा देख लेते हैं, तो उससे हमें आपसे बातचीत का वेवलेंथ क्या मेंटेन करना है वो हम निर्णय ले लेंगे, और दूसरा जो है फिर हम जो बात करेंगे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत होगी, उसकी लिंक हम अभी आपको बना के फिर। राइट सर, ठीक है ना। तो सर, मुझे जो है ना व्हाट्सएप पहले नंबर पे है, आपको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप चिंता मत करो, अभी सब मैं सेव करके अभी 2 मिनट में आपको लिंक भेजता हूँ। आई वर्क वेरी फास्ट, क्योंकि इस देश की तस्वीर तकदीर धीमे काम करने से नहीं बदली जा सकती है।
नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी, नहीं बदलेगी सर, है ना। नहीं चलिए चलिए बीरेन जी, बालिया जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, वंदे मातरम। थैंक यू सर, मैं बहुत जल्दी ना सर अपनी कहीं मुलाकात भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रूबरू प्रोजेक्ट को देखना, समझना, बेसिक को समझ के ही अपन आगे बढ़े। मैं आपको बताऊं, एनर्जी है, एनर्जी तो एनर्जी है, वो सब जगह व्याप्त है। यदि आप महसूस करने लग जाएंगे तो आप मेरी एनर्जी अपने पास में महसूस करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। आदमी एक एक जज्बा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम सब होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, जय भारत।